एपिसोड 5 में हमने देखा था कि टाइटेनिया ने जेनिफर पे केस किया था। टाइटेनिया ने शीहल्क ये नाम अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए यूज किया था और इसलिए दोनों ये केस कोर्ट में लेके जाते हैं, जिसमें जेनिफर ये केस जीत जाती है। 5th एपिसोड में हमने लूक नाम के डिजाइनर को देखा जो सुपर हीरो का सूट बनाता है और अभी लूक ही शीहल्क के लिए उसका ड्रेस बनाने वाला है। 5th एपिसोड के लास्ट में हमने डेयरडेविल के हेलमेट को देखा जो लूक ही बना रहा है। तो अभी यहाँ से 6th एपिसोड की कहानी को देखेंगे, जिसका नाम है जस्ट जेन। एपिसोड की शुरुआत में जेनिफर को अपने पुराने फ्रेंड की वेडिंग का इनविटेशन आता है। जेनिफर ये इनविटेशन के बारे में निकी को बताती है और शादी में जाने की तैयारी करने लगती है। जेनिफर अपने शीहल के अवतार में शादी में पहुंचती है, जिसे देखकर शादी में आए लोग जेनिफर की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते है। और जो जेनिफर की दोस्त जिसकी शादी है वो इस बात से बुरा मानती है। जेनिफर की दोस्त का नाम लुलू था और लुलू जेनिफर को अपने नॉर्मल रूप में रहने के लिए कहती है, क्योंकि आज उसकी शादी थी और सारे लोग जेनिफर की तारीफ कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैलोरी और निकी के पास एक आदमी अपनी प्रॉब्लम लेके आता है। उस आदमी का कहना था कि वो इमॉर्टल है, यानी वो कभी मर नहीं सकता, इसलिए वो हमेशा खुद की जान देकर अपनी वाइफ को फंसाता है कि वो मर गया है और जाके दूसरी शादी कर लेता है। पर अभी उसकी सारी वाइफ को पता चल गया है कि वो नाटक कर रहा था, इसलिए उसे अपनी सारी बीवियों से बचना है। वो आदमी खुद को मिस्टर इमॉर्टल बुलाता है और उस बिल्डिंग के विंडो से जंप मार के भी दिखाता है, पर इमॉर्टल होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता। दूसरे दिन उसकी 8 बीवियां मैलोरी के केबिन में होती है और इन सब से मिस्टर इमॉर्टल ने इलीगली शादी की थी और बाद में मरने का नाटक किया था। अभी उसकी 8 वाइफ थी और सारे लोग को मिस्टर इमॉर्टल के प्रॉपर्टीज का बराबर हिस्सा चाहिए था, इसीलिए सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। पर निकी सारे औरतों को समझाती है और सबका सोल्यूशन निकाल कर मिस्टर इमॉर्टल को अपने वाइफ लोगों से छुटकारा दिलाती है। इसके बाद हमें वेडिंग का सीन देखने मिलता है जहाँ जेनिफर और लुलू बात कर रहे थे, पर तभी वहाँ टाइटेनिया आती है जिसे देखकर जेनिफर शॉक होती है। टाइटेनिया भी यह वेडिंग अटेंड करने आई थी, पर जेनिफर को लगता है कि वो यहाँ उसे बदला लेने आई है, क्योंकि जेनिफर ने टाइटेनिया को पिछले केस में हरा दिया था। जेनिफर गुस्सा होकर बाहर बैठने जाती है और वहाँ उसे जॉश नाम का एक लड़का मिलता है जो जेनिफर से दोस्ती करता है। जेनिफर फिर जॉश से बातें करती है कि उसे सिंपल रहना पसंद है, जैसे कि वो अभी है। बीच बीच में जॉश भी जेनिफर के साथ फ्लर्ट कर रहा था। इसके बाद जेनिफर को नशा ज्यादा होने की वजह से वो बाहर उल्टी करने जाती है। तभी वह टाइटेनिया आके जेनिफर को पंच मार के दूर फेंक देती है और लड़ाई के लिए चैलेंज करती है। शुरू में तो जेनिफर शीहल्क नहीं बन पा रही थी, पर थोड़ी देर में वो ट्रांसफॉर्म होती है और टाइटेनिया के साथ शादी के बीच में ही लड़ने लगती है। लड़ाई के वक्त टाइटेनिया गिर जाती है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। दूसरी ओर निकी और मैलोरी एक इंटेलिजेंसिया नाम के साइट पर विजिट करते हैं, जहाँ दोनों को दिखता है कि उस साइट के लोग शीहल को मारने का प्लान कर रहे थे। मैलोरी इस बात को सीरियस नहीं लेती क्योंकि इंटरनेट है, पर निकी को अपनी फ्रेंड की परवाह थी, इसलिए वो सारी बात जेनिफर को वॉइस मेल के थ्रू बता देती है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर अभी भी जॉश के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। एपिसोड के एंडिंग में हमें एक लैब दिखता है जहाँ कुछ लोग जेनिफर के बारे में प्लान कर रहे थे और फिर हमें दिखता है कि यहाँ जेनिफर का ब्लड लेने की तैयारी चल रही थी और शायद आगे जाके जेनिफर की जान को खतरा हो सकता है। एपिसोड खत्म होते होते हमें दिखता है कि टाइटेनिया अपने दांत का इलाज कर रही है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।